कानून के विरोध में आज मुरादाबाद रामपुर हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने जाम लगा दिया है। पिछले 2 घंटे से किसान हाईवे पर बैठे हुए हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। किसानों ने टोल प्लाजा पर किसान यूनियन के बैनर लगा दिए हैं। इन किसानों का कहना है कि कृषि कानून का विरोध करते हुए उन्हें कल 6 महीने हो गए हैं, जिन्हें उन्होंने काला दिवस के रूप में मनाया है। दरअसल किसान पिछले 6 महीने से कृषि कानून का विरोध करते चले आ रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली बॉर्डर पर भी लगातार धरना चल रहा है। इस विरोध को कल 6 महीने पूरा होने पर कई प्रदेशों में इसे काला दिवस के रूप में मनाया गया। जगह जगह किसानों ने काले झंडे लहराकर अपना विरोध दर्ज कराया तो कई पर नए कानून के पुतले भी जलाए गए। इसी कड़ी में आज सुबह 9 बजे मुरादाबाद लखनऊ हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने अपना धरना शुरू करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इन किसानों ने बैनर टोल प्लाजा के बीच लगाकर एक साइड से हाईवे जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और धरने पर बैठे किसानों से टोल प्लाजा खाली करने के लिए कहा। जो कृषि काले कानून हैं उनके विरोध में हमें लगातार कल 6 महीने बीत गए और ये सरकार किसान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिनको धरना प्रदर्शन करते हुए हमारे 400 से लेकर 500 किसान शहीद भी हो गए। तो किसान कहाँ मरे कहाँ डूबे वो जगह पूछने के लिए मोदी से बैठे हुए हैं, क्योंकि आज हमारा गेहूं तुल्ला है। पहले डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में 90 क्रय केंद्र हुआ करते थे, आज 45 है, 45 हैं, जिनमें से 42 जिनमें से जो अभी 4 से 6 केंद्र ऐसे हैं जिन पर बंद पड़े हैं। कोविड की जांच उन लोगों ने करा ली है और कराने के बाद पॉजिटिव दिखा करके वो सारे केंद्र बंद पड़े हैं। कहीं कोई गेहूँ नहीं तोला जा रहा, किसी जगह बहाना चल रहा है कि साहब बाढ़ दाना नहीं है, कहीं बहाना चल रहा है कि प्रभारी नहीं है, कहीं बहाना चल रहा है कि साहब वहाँ पर लेबर नहीं है। और यही करते करते इस सरकार ने हमारे गेहूँ के रेट आज 1400-1500 रुपये ला दिए और किसान को मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। यही संख्या आपने पीछे देखा होगा गेहूँ धानों के साथ में हुआ है कि किसान के यहाँ फसल आई नहीं। ये सरकार पता नहीं कौन सी नीति क्या चीज़ अपनाती है कि ऑक्सीजन की जरूरत थी ऑक्सीजन यहाँ से ब्लैक कर दी गई, दवाइयों की जरूरत थी दवाइयाँ नहीं मिली, लोग घरों में तड़प तड़प करके मर रहे हैं। परंतु ये सरकार है कि किसी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रही, ये तो एजेंट अडानी और अंबानी की हो गई है, उसके अलावा इसे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। अच्छा कितना टाइम हो गया है प्रदर्शन करते हुए आपको? NS24 लगभग 9 बजे से बैठे हैं। सुबह कब तक बैठने का प्लान है आप लोग? हमारा राष्ट्रीय आह्वान है, राष्ट्रीय आदेश है कि हमें रात दिन यहीं रहना है, यहीं बनानी है और यहीं खानी है। पुलिस प्रशासन आपको रोक नहीं रहा है? पुलिस प्रशासन वो भैया सब उसमें है, उसके हाथ में पावर है, वो जो चाहे वो करे, वो स्वतंत्र है, डंडा चलाए जेल भेजे जो इसकी मर्जी हो, हम क्या करेंगे प्रशासन से टक्कर हो। अच्छा आपकी मुख्य मांगे क्या है सरकार से जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के अंदर? सबसे बड़ी सबसे बड़ी मुख्य मांग हमारी है जो हम न्यूनतम मूल्य है उस पर कानून चाहते हैं कि उसके अंतर्गत हमारी जो जीन्स है हमारी जो फसलें हैं उनके रेट तय करेगा, उनके अंतर्गत बिकें। उसके साथ साथ जो तीनों कृषि कानून ये सरकार हमारे ऊपर थोप रही है हम इनको बिल्कुल नहीं चाहते, ये तुरंत वापसी हों।